हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं खुशबू। मेरा मॉर्निंग का सारा क्लीनिंग का काम हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया है। मैंने बालों में हेयर ऑयल कर रखी है, हेयर ऑयलिंग करी मैंने, वॉश करूँगी 2 घंटे बाद। और 2 घंटे बाद अब मैं क्या करूँगी, सारा काम तो हो गया। तो अब मैं ना डिनर की, सॉरी लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में बनाऊँगी दम आलू, और दम आलू की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मेरे दम आलू की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल पे न्यू हो तो बेल आइकन को प्रेस करें। चलो अब चलते हैं किचन में, जिससे आपकी किचन लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बेबी पोटैटोस के साथ में दम आलू की रेसिपी, क्योंकि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने बेबी पोटैटोस लिए हैं, बस इसको वॉश करके हम लोग बॉयल कर लेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, आप नॉर्मल पोटैटोस से बनाओगे ये वाली सब्ज़ी एंड इस बेबी पोटैटोस से बनाओगे, स्वाद में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनता है। तो बस ये बॉयल हो गए हैं आलू, इसको हम लोग छील के ऐसे रख लेंगे। पैन में मैंने मस्टर्ड लिया, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, हल्का सा हल्दी एंड हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, एंड आलू के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ताकि हम लोग इस मसाले के साथ में हल्का सा नमक के साथ में आलू को जो है हल्का सा हम लोग कोट कर लेंगे। तो बस ऑयल को पैन में चारों तरफ मैंने ऐसे ही स्प्रेड कर दिया, एंड यहाँ पे जो बेबी पोटैटोस बॉयल करके रखे थे वो ऐड करके उसको हल्का सा हम लोग ऐसे ही फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम में, बहुत ही जल्दी, बस 1-2 मिनट के लिए हमें इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए आलू जो है ये हल्का सा एक साइड से ऐसे करारे हो जाते हैं, एंड ये फ्राई हो गए। तो बस अभी हम लोग इसको निकाल लेंगे, एंड सेम पैन में हम लोग मसाला जो है वो भुन लेंगे। सेम पैन में मैंने थोड़ा सा और ऑयल लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा, एंड इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हींग एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक के पेस्ट में मैंने ऑलरेडी खड़े गर्म मसाले जो है वो ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने से पहले थोड़ा सा प्याज भी लेके भुन सकते हो, बट प्याज को अच्छे से भुनना, नहीं तो प्याज से ना हल्की सी मीठी सी फ्लेवर जो है वो आ जाता है, बिना प्याज के ये बहुत अच्छा बनता है। तो बस मसाले को बस 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। देन यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ऐसे ही बिल्कुल फाइनली चॉप करके रखे थे, मतलब आप पेस्ट भी बना सकते हो, तो वो ले लिया है। थोड़ा सा नमक ऐड किया ताकि टमाटर जो है वो जल्दी कुक हो जाए। बस इसको अभी ढक के हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा एंड हल्का सा कुक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करीब 3 से 4 मिनट के बाद टमाटर जो है यहाँ पे गल गए हैं, बट थोड़ा थोड़ा अभी भुनने में बाकी है। बट इसी स्टेज पे जब भी थोड़ा थोड़ा पानी होना है ऐसे टमाटर में, इसी स्टेज पे हम लोग इसमें पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे मीट मसाला ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, बट अब ऐड करोगे तो बहुत अच्छी फ्लेवर आती है, एंड मीट मसाला बिल्कुल वेज होता है, इसमें कुछ भी नॉनवेज वगैरह नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता है कि हाँ मीट मसाला है तो ये नॉनवेज हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो बस इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए, टमाटर में थोड़ा सा हल्का सा पानी था ना, तो उसी में ये जो पाउडर मसाले बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। तो यही हो गया बेसिक मसाले हम लोग यूज़ करते हैं, हल्का सा ये भुन जाएगा ना। कसूरी मेथी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पर देखिए मसाले जो है वो बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल भी थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इसी टाइम पर हम लोग ये जो बॉयल्ड बेबी पोटैटोज़ है ये ऐड कर देंगे, एंड मसाले के साथ में इसको अच्छे से भुन लेंगे ऐसे ही करारा होने तक। आप चाहो तो ऐसी सूखी सब्जी भी खा सकते हो, पराठे के साथ में, रोटी के साथ में, पूरियों के साथ में बहुत अच्छा लगता है। कभी ट्रैवल पे, ट्रेन ट्रैवल पे जाओ ना, तो इस टाइप की सूखी सब्जी लेके जाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ये बन गया है, अब ऐसे भी खा सकते हो या तो आप ग्रेवी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गरम पानी लिया है। तो गरम पानी मैं ऐड कर रही हूँ, कोई भी सब्जी हो अगर आप इसमें ग्रेवी, मतलब ग्रेवी वाली बना रहे हो ना, तो इसमें गरम पानी ही ऐड करना, इससे ना कलर, करी का जो कलर होता है वो बहुत अच्छा आता है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। ठंडा पानी ऐड मत करना। तो बस यहाँ पर मैंने पानी के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, क्योंकि आलू में एंड टमाटर में हमने ऑलरेडी नमक ऐड किया हुआ था। तो बस अभी हम लोग ढक के उसको 4 से 5 मिनट बस इसको और कुक कर लेंगे, ताकि पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए एंड सब्जी जो है वो हल्की सी थिक हो जाए। वैसे भी आलू की सब्जी ठंडा होने के बाद थोड़ा सा थिक हो भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी बनके रेडी है, ऊपर से बस हम लोग धनिया पत्ता गार्निश कर देंगे। आप एक बार ज़रूर